हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास एट टुडे आई एम हेयर विथ चैप्टर थ्री ऑफ योर बुक दैट इज राइस साइंस वाइज नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हम उनको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में ठीक है अब इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एक्सप्लेनेशन के साथ इसका एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोडेड है तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए नाउ कमिंग टू द नोट्स अब नोट्स में मैंने यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट बनवाया है ठीक है फाइबर्स कितने टाइप के होंगे दो टाइप एक होता है नेचुरल दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर नेचुरल फाइबर जो है उसकी दो सोर्सेज होती है प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल क्या होंगे कॉटन जूट फ्लैक्स और हेम्प देन एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल होंगे वुल और सिल्क ऐसे ही हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं रेऑन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये होते हैं मैनमेड फाइबर और ये आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं क्यों होते हैं मैनमेड क्योंकि ये हम सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स ठीक है और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो नेचुरली ऑकरिंग हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नोट्स पॉइंट पे तो यहाँ पे दिया हुआ है फैब्रिक्स आर मेड बाय वीयरिंग बाय वीविंग फाइबर्स और थ्रेड्स ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स फैब्रिक जो है वो किससे बने हुए हैं जब हम वीव करते हैं फाइबर्स को उससे बनते हैं फैब्रिक ये फैब्रिक ऑप्टेन होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर से नैचुरल फाइबर जो हैं वो टू टाइप्स के हैं और नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस होते हैं प्लांट और एनिमल से जैसे कि वुल कॉटन सिल्क एक्सेट्रा सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो है मैनमेड फाइबर्स और टेक्सटाइल मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल मटेरियल्स और पेट्रोकेमिकल्स एग्जाम्पल हुए आपके रेओन पॉलिस्टर और नाइलॉन अब सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ ये एक आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं प्लास्टिक को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे ये सब बने हुए हैं किसके चेन के कैसी चेन स्मॉल यूनिट्स की चेन और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो बने हुए हैं पॉलीमर्स के और जो पॉलीमर्स हैं वो बने हुए हैं मोनोमर्स ये मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के ऐसे चेन बनती है पॉलीमर्स की ठीक है और इससे बनते हैं आपके फाइबर इस तरीके से मोनोमर्स होते क्या हैं मोनोमर्स सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि बॉन्डेड है विथ अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम पॉलीमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन तो यहाँ पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए डिफाइन करके क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है उसको भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ आपको मोनोमर समझ में आ गया अब पॉलीमर पॉलीमर क्या है पॉलीमर ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है पॉली का मतलब होता है मैनी ऐसे ही हमने मोनोमर पढ़ा है तो मोनो का मतलब होता है वन ठीक है और पॉली का मतलब होता है मैनी मर्स का मीन होता है यूनिट यहां पे भी मर्स का मीनिंग क्या होगा यूनिट तो मोनोमर्स यानी कि एक यूनिट और पॉलीमर्स यानी कि मैनी यूनिट यानी कि बहुत सारी यूनिट्स इसलिए जो पॉलीमर्स है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का बना होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं एक साथ उसी को हम बोलेंगे पॉलीमर एग्जाम्पल क्या है पॉलीमर का पॉलीमर का एग्जाम्पल है रेयन नाइलॉन ये एग्जाम्पल हुए पॉलीमर्स के जो कि सिंथेटिक फाइबर है पॉलीमर पॉलीमर्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर पॉलीमर्स जो हैं वो नेचर में भी मिलते हैं जैसे कि जो कॉटन है ठीक है कॉटन इज अ पॉलीमर और जो सेल्युलस है मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट कॉल्ड ग्लूकोस जो कॉटन है वो क्या है सेल्युलोज ठीक है कॉटन एक पॉलीमर है जो कि सेल्युलोज से बना हुआ है सेलुलोज जो है वो सिंगल यूनिट से बना हुआ है जो कि है ग्लूकोज तो यहां पॉलीमर हुआ सेलुलोज और मोनोमर क्या हो गया ग्लूकोज ये देखो यहां पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर के कितने टाइप होते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो है यहाँ पे रे नाइलॉन पॉलिस्टर और एक्रेलिक रेन को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं नाइलॉन जो है ये फर्स्ट सिंथेटिक मेड फ्रॉम कैमिकल सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल से बना हुआ है पॉलेस्टर जो है वो बना हुआ है मोनोमर्स ऑफ एस्टर्स से Acrylic एक ऐसा फाइबर है या फैब्रिक है जो कि लाइट वेट है सॉफ्ट है वार्म है और वुल के जैसा दिखता है नेक्स्ट रेयन की हम बात कर रहे हैं तो रेयन जो है ये वुड के पल्प से बना है जो नेचुरली ऑकरिंग सेल्युलोस है वही अगर हम बात करते हैं नाइलॉन की तो नाइलॉन कोल और पेट्रोलियम ऑयल एयर वाटर से मिलकर बना हुआ है देन पॉलिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम अब जो एक्रिलिक है वो रिंकल फ्री है रेजिस्टेंट है डज नॉट स्विंग और चीपर देन वुल वुल से सस्ता पड़ता है एक्रेलिक नेक्स्ट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वेयर जो रेऑन है वो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए नाइलॉन स्ट्रॉन्ग है इलास्टिक है रिंकल फ्री है एब्जॉर्ब करता है बहुत ही कम वाटर को और इजी टू वेयर है यानी कि मेंटेनेंस कम लगती है ठीक है देन पॉलिस्टर जो है Extremely strong है chemical resistant है very durable, does not absorb water easily and quickly dry. अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं polyester की तो जो polyester है वो क्या है बहुत ही easy है dry होने में water को कम absorb करता है Acrylic जो है इसको हम dye कर सकते हैं variety of colors में नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर के पहला एडवांटेज है कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं और वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल हैं इजी टू वॉश ड्राई एंड मेंटेन दूसरा पॉइंट क्या होगा इजी टू ड्राई वॉश एंड मेंटेन तीसरा पॉइंट है कि ये स्ट्रांग है मोर इलास्टिक है नेचुरल फाइबर से फोर्थ रेजिस्ट टू माउथ अटैक देन डिसएडवाटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर को बहुत ईजीली कैच कर लेते हैं इसीलिए यही रीजन है कि सिंथेटिक फाइबर को पहनने के बाद आपको किचन या लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए इवन क्रैकर्स भी आपको नहीं बर्न करने हैं सिंथेटिक फाइबर को पहन के क्योंकि ये फाइबर फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी से और स्टिक और चिपकता है स्किन पे और इसीलिए अगर इसको पहन के आपके कपड़े में आग लगती है तो पर्सन अफेक्ट हो जाता है और उस पर्सन को बहुत सारे बर्न्स आते हैं दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता इसीलिए समर सीजन में हम इसको पहनने का सलाह नहीं देते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की सिंथेटिक फाइबर्स melt quickly when get it heated then require careful handling during iron plastic a plastic jo word hai ye originate hua hai greek word se jisko plasticos bolte hain which mean that it can be molded or shaped plasticos का क्या मतलब होता है कि वो easily मोल्ड हो जाएगा किसी भी shape में अब plastic के types कितने types के plastic हैं two types एक है आपका थर्मोप्लास्ट, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है जो कि डिफॉर्म हो जाती है बेंड हो जाती है हीट होने पे। थर्मो का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक जो कि बेंड हो जाए या शेप ले ले, ठीक है तो थर्मोप्लास्ट का मतलब आपको समझ आ गया कि हीट होने पर बेंड हो जाना या शेप ले लेना उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्ट। इसको यूज किया जाता है मेकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स जैसे कि कोम टॉय और बहुत सारे कंटेनर्स एक्सेट्रा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो कि एक बार मोल्ड हो गई उसके बाद सॉफ्ट नहीं हो सकती हीट से जैसे कि बैकलाइट और मेलेमाइन अब डिफरेंसेस क्या होंगे थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के तो थर्मोप्लास्ट जो है ये डिफॉर्म हो जाती है जब डिफॉर्म हो जाती है हीट पर ये डिफॉर्म नहीं हो सकती इसके बाद सेकंड डिफरेंस है इट कैन बी री प्रपोज अगेन एंड अगेन और इसको हम बार बार रीशेप या रीमोल्ड नहीं कर सकते इस टाइप की प्लास्टिक जो होती है कौन सी थर्मो प्लास्टिक जो होती है वो मेड अप ऑफ लीनियर मोनोमर लीनियर का मतलब क्या होगा सीधे ठीक है और मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट इस तरीके से इसकी चेन होती है जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स में होती है देखो ये एक मोनोमर है यहां से भी लिंक्ड है यहां से भी लिंक्ड है यहां से भी लिंक्ड है ठीक है वही दूसरा मोनोमर भी चारों तरफ से लिंक्ड है ठीक है तो ये बहुत सारे पॉलीमर्स बना रहे हैं मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं पॉलीमर्स और ये हुआ क्या क्रॉस लिंक्ड ये वाली जो चेन है ये कैसी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो होती है हार्ड हाई हीट रेजिस्टेंट और स्ट्रोंग वही थर्मो प्लास्ट जो होती है वो होती है वीक सॉफ्ट और कैनॉट बीयर हीट इट कैन डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक पी वी सी पॉलिथिन एक्सेट्रा पी वी सी पॉलीथिन जो है वो डिजोल्व हो जाती है ऑर्गेनिक सोल्वेंट में वहां पर ही अगर हम थर्मोसेटिंग की बात कर रहे हैं तो वो डिजोल्व नहीं हो सकती ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि बैकलाइट मेलेमाइन एक्सेट्रा अब हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पे तो यहां पर है गिव वन वर्ड और टू वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग स्मॉल मोनोमर्स टूगेदर टू फॉर्म पॉलीमर इज पॉलीमराइजेशन तो ये हुई आपकी डेफिनेशन क्या है ये डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन सेकेंड इज द पॉलीमर फाउंड इन कॉटन कौन से पॉलीमर है जो कॉटन में होते हैं सेलुलोज और सेल्यूलोस का मोनोमर क्या होता है सेल्युलोज का मोनोमर होता है glucose third the raw material obtained from petroleum which are used to prepare synthetic fiber it is coal and oil fourth plastic which is used to coat cookware to make them non sticky it is bakelite five full form of pvc polyvinyl chloride पॉलीविनाइड क्लोराइड पी वी सी का फुल फॉर्म होता है और जनरली ये एग्जाम में आ जाता है इसलिए ये क्वेश्चन है आपका आई एम पी क्वेश्चन द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम द ओल्ड वन इट इज रिसाइक्लिंग ओल्ड प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट बनाना इज रीसाइक्लिंग देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिफ्ट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच यहां आपको दो एग्जाम्पल देने हैं सभी के तो नेचुरल फाइबर के दो एग्जाम्पल क्या हुए कॉटन और वुल आर्टिफिशियल फाइबर के रेन और नाइलॉन देन लश्स फाइबर लश्चर मीन्स शाइन ऐसे फाइबर जिनमें शाइन होती है तो वो कौन से होंगे सिल्क और रेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल वेस्ट देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम नाउ कमिंग टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हाउ इज रेऑन डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर रेऑन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंस डिफरेंट क्यों है क्योंकि रेऑन भी क्या है ह्यूमन मेड फाइबर है लेकिन रिसेंबलेंस देता है सिल्क से कुछ रिलेट करता है सिल्क से कैसे उसका जो अपियरेंस है टेक्स्चर है शाइन है वो किसके जैसे है सिल्क के जैसे है और इसीलिए उसको इसीलिए रेयन को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स बाय ह्यूमन मेड मेथड नेचुरल रिसोर्स से ही बना है पर ह्यूमन मेड मेथड से क्वेश्चन नंबर टू वाई डू माउंटेनियर्स यूज नाइलॉन रोप फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन माउंटेनियर्स जो है वो क्लाइम्ब करने के लिए नाइलॉन की रोप क्यों यूज करते हैं क्योंकि जो नायलॉन की रोप है वो स्ट्रोंग फाइबर है गुड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसका इसीलिए जो क्लाइंबर्स हैं या जो माउंटेनियर्स हैं वो माउंटेन क्लाइंब करने के लिए नायलॉन की रोप का यूज करते हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री ज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग फिशिंग नेट नाइलॉन और कॉटन नाइलॉन और कॉटन में से फिशिंग नेट बनाने के लिए क्या ज्यादा सुटेबल है तो नाइलॉन ज्यादा सुटेबल है फिशिंग नेट बनाने के लिए क्योंकि ये ड्यूरेबल है लाइट है वेट में और वॉटर रेजिस्टेंट है फोर्थ विच इज इजी टू स्टोर एक्रेलिक और वुलन क्लोथ एक्रेलिक के क्लोथ स्टोर करना ज्यादा इजी है या वुलन क्लॉथ इसके लिए आपको रीजन देना है देखो एक्रेलिक क्या है एक सिंथेटिक फाइबर है विच इज नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट और इस पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता मौत अटैक नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक नहीं करते वहीं अगर हम कॉटन क्लॉथ्स की बात करेंगे तो ईजिली उस पर मौत इंसेक्ट और माइक्रोब्स एक्ट करते हैं इसलिए वुलन क्लॉथ्स जो है इनको स्टोर करने के लिए नेफ्थिल की बॉल्स को रखते हैं लेकिन एक्रलिक के क्लोथ्स को हम स्टोर कर सकते हैं विथ मिनिमम केयर इतनी ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती जितनी वुलन क्लॉथ की करनी होती है क्वेश्चन नंबर फाइव विच हैज आर्टिफिशियल वुल बिकम मोर पॉपुलर देन नेचुरल वुल तो आपको बताना है कि आर्टिफिशियल वुल जो है वो नेचुरल वुल से ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गई क्योंकि जो आर्टिफिशियल वुल है वो चीप है कैसी है चीप है लेस कॉस्टली है नेचुरल वुल से फिर इसको डाई करना बहुत इजी है स्ट्रांग है लाइट इन वेट है और इजी टू स्टोर है तो यहाँ आप चाहें तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं पॉइंट वन चीपर है सेकंड इजी टू डाई है थर्ड स्ट्रांग है फोर्थ लाइट इन वेट है और फाइव फिफ्थ पॉइंट है इजी टू स्टोर ऐसे आप पॉइंट में भी इस आंसर को लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज पॉलिस्टर टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल पॉलिस्टर जो है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए क्यों सुटेबल है तो पॉलिस्टर ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए इसलिए सुटेबल है बिकॉज पॉलिस्टर में रिंकल नहीं आते ठीक है और क्रिमसी नहीं दिखता है ना और इजी टू वॉश है देन क्वेश्चन नंबर एट नेम सम ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक कुछ ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक के बने हुए हैं चेयर बाकेट कंटेनर स्लीपर और भी बहुत सारे तो सो ऑन देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज केमिकल नेचर ऑफ पॉलिस्टर वट इज पॉलीकॉट पॉलिकॉट क्या है पॉलिकॉट मिक्सचर है पॉलिस्टर और कॉटन का तो इसको हम पॉलिकॉट बोलेंगे पॉलिस्टर और कॉटन का ब्लेंड है मिक्सचर है ब्लेंड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है ब्लेंड वर्ड का यूज करना है ब्लेंड है किसका पॉलिस्टर और कॉटन का उसको हम बोलते हैं पॉलीकॉट। पॉलिस्टर जो है वो मेड है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एस्टर एस्टर की यूनिट्स को रिपीट करके यानी कि पॉलीमर से बना हुआ है एस्टर के एस्टर एक केमिकल है जो कि फ्रूटी स्मेल देता है देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइब फाइबर नेचुरल फाइबर जो है ऑप्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से जैसे कि प्लांट और एनिमल वही सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं ये पेट्रोकेमिकल से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं एग्जाम्पल है इसका कॉटन वुल और सिंथेटिक का है रेयन नाइलॉन पॉलिस्टर अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेयन एंड सिल्क तो रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क माना जाता है रेयन को इसी के साथ ये वुड के पल्प से बना हुआ है और केमिकल्स का यूज करके इसको बनाया गया सिल्क जो है वो नेचुरली ऑप्टेन होती है सिल्क वॉर्म से एनिमल की जगह अगर आप यहाँ क्या लिखेंगे सिल्क लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है आर्टिफिशियल सिल्क आर सेल ऑन वेरी चीप प्राइस बहुत कम या लो कॉस्ट पे इसको सेल कर दिया जाता है जबकि नेचुरल सिल्क जो है वो हाई कॉस्ट पे सेल की जाती है क्वेश्चन नंबर टेन बेकलाइड इज बेटर सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज कमेंट तो बैकलाइट को बेस्ट माना जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए क्यों क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का और एक गुड इंस्यूलेटर है देन क्वेश्चन इज मेलेमाइन इज प्रिफर टू मेक किचनवेर गिव रीजन तो मेलेमाइन जो है उसको किचनवेयर बनाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्ट होता है हीट लगने पे ये स्क्रैच रेजिस्ट होता है देन ड्यूरेबल है ड्यूरेबल के साथ डिश वॉशर सेफ एंड नॉन टॉक्सिक देन नेक्स्ट इज वाई हैज़ द गवर्नमेंट बैन द यूज ऑफ पॉलिथिन बैग्स गवर्नमेंट ने पॉलिथिन बैग्स के यूज क्यों बैन किया है क्योंकि जो पॉलिथिन बैग है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था हार्मफुल था एनिमल और एनवायरनमेंट के लिए ब्लॉक कर रहा था ड्रेन्स को और फ्लड का एक बड़ा कारण था देन वेस्ट रिसोर्स और एनर्जी का वेस्टेज होता है इससे देन नॉन बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकलेबल देन नेक्स्ट इज वॉट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक टू स्टोर थिंग्स प्लास्टिक को स्टोर प्लास्टिक में थिंग्स को स्टोर करने के क्या बेनिफिट है प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं वो स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं प्लास्टिक जो है वो आइटम को डस्ट डर्ट और अदर कंटेमिनेशन से बचा के रखता है प्लास्टिक कंटेनर जो है ईजी टू क्लीन है और सैनिटाइज हो जाते हैं ईजीली प्लास्टिक कंटेनर कैन बी यूज फॉर मल्टीपल आइटम्स देन प्लास्टिक कंटेनर कैन बी टाइट कीपिंग कंटेंट फ्रेश एंड प्रिवेंटिंग मॉइस्चर फ्रॉम एंट्रिंग नाउ मूविंग टू द लॉन्ग आंसर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग पहले रेऑन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो रेन जो है वोवेन लाइक सिल्क चीपर देन सिल्क मतलब सिल्क से कम कॉस्टली है डाई हो जाता है इजिली उसके बाद शाइन और लश्चर है सिल्क के जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजेस क्या है क्लॉथ बनाने के काम आता है सूट जैकेट देन उसके बाद होम में फर्निशिंग के काम आता है जैसे कि कर्टन्स बना लिए टेबल क्लॉथ रखा हुआ है रेओन का रेओन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है और इसीलिए ऑटोमोबाइल के टायर के कॉर्ड्स बनाने के भी काम आता है उसके बाद जो मिक्स्ड है जो उसका मिक्सचर है वुल के साथ वो कारपेट और रेयन फाइबर गिव शाइनी टेक्सचर टू द मैट्स नाइलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे लाइट और इलास्टिक है it is easy to maintain and does not crease easily it does not absorb much water and dries quickly then next is dye karne mein easy hai aur easily available hai wo bhi low cost pe next iske uses kya hai nylon ke Durable है elastic है water रेजिस्टेंस है इसलिए इसको fishing net बनाने के लिए use किया जाता है टूथब्रशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड सॉक्सेस देन ये लश्चर होता है तो कर्टन्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट इज पॉलिस्टर पॉलिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये एक स्ट्रांग फाइबर है ड्यूरेबल है रेजिस्टेंट है टू मोस्ट केमिकल्स देन इट डज नॉट रिंकल इजीली वाटर रेजिस्टेंट है हाई इंफ्लेमेबल है और कैच फायर करता है इजिली यूज इसका कहाँ होता है वेराइटी ऑफ आइटम्स बनाने के लिए सचस सारी टीशर्ट ड्रेस मटेरियल कर्टन बैग्स एक्सेट्रा देन फॉर मेकिंग प्लास्टिक बॉटल्स एंड क्लॉथ्स ठीक है नेक्स्ट इज ये जो है फायर फाइटर्स जो वाटर हॉर्सेस यूज करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है देन पॉलीथिन टेट्राफेटलिन पेट जिसको बोलते हैं इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल किचन यूटेंसिल्स फिल्म एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स एक्रेलिक की भी स्ट्रॉन्ग फाइबर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट इन वेट है रिसेंबल करता है वुल से डाई इजीली हो जाता है और चीपर है सस्ता है वुल से ठीक है देन इसका यूज करते हैं ब्लैंकेट बनाने के लिए प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए एक्रेलिक का यूज किया जाता है इट कैन बी आल्सो यूज फॉर मेकिंग बोट सेल्स एंड कार कवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखना है आपको फाइव कैरेक्टर एंड यूज ऑफ प्लास्टिक तो प्लास्टिक के पांच कैरेक्टर स्टिक्स हैं रोल्ड इन टू शीट और इसको वायर भी बना सकते हैं इट कैन बी कलर्ड ईजिली रिसाइकलेबल एंड रीयूज हो सकता है प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर है हीटर इलेक्ट्रिसिटी के लॉन्ग लास्टिंग है पर नॉन बायोडिग्रेडेबल है देन यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम दे आर लाइटर एज कंपेयर टू मेटल मेटल के कंपेरिजन में लाइट है और यही रीजन है कि कार के बहुत सारे पार्ट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं एयरक्राफ्ट के स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं ठीक है थीके? इसके बाद इसका यूज किया जाता है पॉलिथिन बैग बनाने के लिए कुछ प्लास्टिक ऐसी हैं चीप है स्ट्रांग है ड्यूरेबल है इसीलिए वैरायटी ऑफ थिंग्स प्लास्टिक से बन सकती है जैसे कंटेनर्स चेयर स्लीपर और भी बहुत सारे मटेरियल्स देन एज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर कोटिंग यानी कि कवर बनाने के काम आता है उसके बाद uh, हैंडल्स बनते हैं फ्राइंग पैन के और अदर कुकिंग वेयर्स के प्लास्टिक का एक यूज ये भी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है प्लास्टिक का देन फोर्थ क्वेश्चन इज प्लास्टिक इज नॉट इको फ्रेंडली व्हाट प्रॉब्लम डज इन्वायरमेंट फेस ड्यू टू प्लास्टिक प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं है और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंट फेस कर रहा है प्लास्टिक की वजह से तो प्लास्टिक क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और अगर प्लास्टिक बहुत समय तक एक ही जगह पर रहती है तो भी वो डिग्रेड नहीं होती दे के नॉट बी बर्नड इन ऑर्डर टू डिस्पोज देम ऑफ और अगर इनको जलाते हैं तो भी ये डिस्पोज नहीं हो सकती क्योंकि अगर जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो टॉक्सिक फ्यूम्स और टॉक्सिक गैसेस निकालती हैं जो कि बहुत डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए ह्यूमन के साथ साथ एनिमल और प्लांट हेल्थ के लिए भी और इससे जो एयर और वाटर और लैंड है उसको पल्यूट या उसको कंटेमिनेट कर देती है देयर फोर इट इज नॉट इको फ्रेंडली एंड प्रॉब्लम दैट एनवायरमेंट फेस ड्यू टू देन क्वेश्चन नंबर फाइव इज वट आर फोर आवर्स टू टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट एक्सप्लेन फोर आवर्स क्या है एनवायरमेंट की केयर करने के लिए तो आपको बताना है रिफ्यूज मतलब डू नॉट बाय थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड ऐसी चीजें ना खरीदें जिसकी हमको जरूरत नहीं है री रिड्यूस रिड्यूज का क्या मतलब है कि ऐसी चीजों का यूज हमें मिनिमाइज करना है कम करना है जैसे कि प्लास्टिक का यूज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए जैसे अगर आपके पास टिफिन है वो प्लास्टिक का है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए मेटल के टिफिन से रीयूज यानी कि ऐसे आइटम जो ऑलरेडी आपके पास हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम यू शुड reuse them like old plastic containers can be used for growing plants recycle recycle रिसाइकल का मतलब होता है कि जितने भी थर्मोप्लास्ट हैं इन सबको रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकलिंग की प्रोसेस के टाइम इनमें कलरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं और उनसे न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेक टू लिमिट द limit and reduce the harmful effect of plastic on the environment? तो so, ये आंसर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी आप इसको और अच्छे से फ्रेम करके आप लिख सकते हैं तो ये रहा आंसर अब ये आंसर ओवर हो गया है ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स इस वीडियो में पूरे कवर हो गए हैं अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इस चैनल को अच्छे से देख लीजिए एक्सप्लेनेशन और एग्जाम और एक्सरसाइज के वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं ठीक है थीके? तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी और एक्सरसाइज भी स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज थैंक यू